दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का जायजा लिया, साथ ही ओपीडी पंजीयन काउंटर, एनसीडी सेल और सिकल सेल संगवारी से चर्चा कर मरीजों के काउंसलिंग और इलाज संबंधी प्रभारी डॉक्टर से जानकारी ली। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान ओपीडी पंजीयन काउंटर, एनसीडी सेल और सिकल सेल संगवारी से चर्चा कर मरीजों के काउंसलिंग और इलाज संबंधी प्रभारी डॉक्टर से फीडबैक लिया। साथ ही मातृ एवं शिशु वार्ड में प्रसूति महिलाओं से भी चर्चा की। वहीं जच्चा बच्चा वार्ड में भी भीड़ की जानकारी लेने के बाद विधायक ने अलग से शिशु वार्ड बनाने के प्रस्ताव पर पहल करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए। क्या हो गया गुड़िया तुमको, क्या है दिक्कत, तकलीफ क्या हो गया? कहाँ? घर के पास से गिर गए। टाइल्स टाइल्स में फिसल गए? नहीं, साइकिल चलाते घर का सामने गिर गए। अरे जनरल वाला है क्या? जनरल ओपीडी है तो स्पेशलिस्ट के हैं। यहाँ तो संख्या अच्छी दिख रही है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था देखने विधायक गजेंद्र यादव स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर इलाज कराने आए मरीज और परिजनों से बातचीत की और जानकारी ली। उन्होंने ओपीडी पंजीयन काउंटर में मरीजों को ज्यादा देर लाइन में नहीं रखने कहा, ताकि मरीज शीघ्र ही डॉक्टर तक पहुँच सके। इस दौरान डॉक्टर के जैन ने बताया कि सिकल सेल संगवारी कार्यक्रम के तहत मरीजों की काउंसिलिंग और इलाज की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसलिए सभी का सिकल सेल कार्ड भी बनाया जाता है। इसी कड़ी में मातृ एवं शिशु वार्ड में विधायक गजेंद्र यादव के निरीक्षण के दौरान भीड़ देखकर सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू ने बताया कि यहां जिले भर से गर्भवती महिला डिलीवरी कराने आती है। दोनों ही वार्ड एक ही बिल्डिंग में संचालित हैं। शिशु वार्ड के लिए अलग से नए बिल्डिंग बनाकर विस्तार करने की आवश्यकता है, जिस पर विधायक महोदय ने इंजीनियर को मौके पर बुलाकर प्रसूति वार्ड से लगे हुए रिक्त स्थान पर नए बिल्डिंग के लिए ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन किए और प्राकलन तैयार कर शासन को भेजने निर्देश दिए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और शिशुओं को स्वच्छ और साफ वातावरण में रखा जा सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।